we have to find out real values of x and y which satisfies the equation x raised to 4 plus 2xi minus 3x square plus yi is equal to 3 minus 5i plus 1 plus 2yi. Okay, so this is the given equation. ठीक, अब हमें x और y के values निकालने हैं. So this is based upon equality of complex numbers. तो हमें x और y left hand side पर लेने होंगे और बाकी numbers हम right hand side पर लेकर जाते हैं. ठीक, तो देखिए left hand side पर क्या क्या होगा. x raised to 4 होगा प्लस 2xi, ये भी लेफ्ट हैंड साइड पर होगा. देन दिस इज माइनस 3x स्क्वायर, ये भी लेफ्ट हैंड साइड पर होगा. ठीक, देन दिस इज माइनस yi, ये भी लेफ्ट हैंड साइड पर होगा. और राइट हैंड साइड पर जो है 2yi, देखिए दिस डज नॉट कंटेन x और y, 1 2 3, ये तीनों भी टर्म्स में x y नहीं आता है, लेकिन 2yi में है, तो उसे हम लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड. Then it becomes what? Minus 2yi is equal to how much? Right hand side पर क्या बचा है? 3 minus 5y plus 1. Clear? तो क्या किया हमने? X और y की जितनी भी terms है, सब left hand side पर ले ली, और right hand side पर the terms which doesn't contain x and y. Now separating real and imaginary parts on both the sides, either left hand side पर real part क्या होगा देखिए? X raised to 4 और कौन सा है? माइनस 3x स्क्वायर, सो दिस इज रियल पार्ट. क्लियर? प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या क्या है? यहां पर है दिस इज इमेजिनरी, दिस इज एंड दिस इज आल्सो इमेजिनरी, सो दिस इज 2x, यहां से माइनस y और आगे माइनस 2y इनटू i, सो दिस इज इमेजिनरी पार्ट व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर रियल पार्ट 3 प्लस 1 4 माइनस 5y. Now by equality of complex numbers, we can say that real parts are equal. ठीक है, तो कौन से real parts है? It is x raised to 4 minus 3x square, which is equal to 4. And also imaginary parts are equal to 2x. This is the imaginary part. 2x minus y minus 2y, so it is minus 3y, which is equal to minus 5. ठीक? Now let us solve these two equations to get the values of x and y. So first equation में this becomes what? X raised to 4 can be written as x square bracket square minus 3x square minus 4 is equal to 0. Clear? Now putting x square equal to m, this becomes quadratic, that is m square minus 3m minus 4 equal to 0. अब minus 4 के ऐसे दो factor जिनकी सम minus 3 होती हो, होते 4 1 जा 4, ठीक है, और माइनस 4 प्लस 1 होगा विच इज इक्वल टू 0. सो इट मींस व्हाट? आइदर m इज इक्वल टू 4 और m इज इक्वल टू माइनस 1. नाउ व्हाट इज m? m इज नथिंग बट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1. नाउ x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 इज नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज़ इन दिस केस अगर x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 होगा तो x कितना होगा बताइए? x कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 149. नाउ क्वेश्चन नंबर 149 इज द रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस i रेस टू माइनस i इज, सो यू हैव टू फाइंड आउट रियल पार्ट ऑफ दिस. ओके, सो व्हेनेवर, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, व्हेनेवर देयर इज अ नंबर इन दिस फॉर्मेट दैट इज वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, ठीक है, हमने 1 माइनस आई की पावर 2000 हो सकती है, 3000 हो सकती है, हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस. बट जब भी आपका वेरिएबल रेस टू वेरिएबल होगा, मतलब अगर पावर में भी आई आता है, देन यू हैव टू यूज लॉगरिथम, आपको लॉग यूज करना होता है. सो व्हाइल सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम यू विल से दैट लेट जेड इज इक्वल टू व्हाट? जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आई रेस टू माइनस आई, ठीक है, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? वी हैव टू फाइंड आउट रियल पार्ट ऑफ जेड, सो दैट इज अवर क्वेश्चन.
Now here taking log on both sides, it becomes what? Log z is equal to log of 1 minus I raised to minus I. Clear? Let us simplify this further. This is equal to what? अब देखिए, हमने log का एक रूल कल पढ़ा था, log of m raised to n is equal to n log m. मतलब जो पावर है ये आ जाता है आपका नीचे यहां पर. So it will become minus I into log of 1 minus I. So this is log of m raised to n, which is equal to n log m. सिंपल तरीके से आप ध्यान में रख सकते, पावर नीचे आता है लॉग के सामने, हमने लिख दिया. दिस इज इक्वल टू माइनस आई इन ब्रैकेट. नाउ हियर इट इज व्हाट? इट इज लॉग ऑफ ए प्लस आई बी. ठीक. एंड नाउ व्हाट इज लॉग ऑफ ए प्लस आई बी, क्या होता है? अब देखिए फॉर्मूला, व्हाट इज लॉग ऑफ ए प्लस आई बी? What is the formula? It is log of mod z. ठीक है, log of mod z plus I into amplitude of z. Now what is log of mod z? Log of mod z means इसका mod लेना है. अब इसका mod क्या होगा? It is under root a square, that is 1, plus b square, that is again 1, plus I into amplitude of z. Now what is amplitude of this? This is amplitude of this is tan inverse of 1 अपॉन माइनस 1. ठीक है, या फिर हम बोलेंगे माइनस 1 अपॉन 1, बिकॉज इट इज माइनस बी. अब बी की वैल्यू माइनस 1 है, ए की वैल्यू प्लस 1 है. सो टैन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए. क्लियर? नाउ दिस बिकम्स व्हाट? दिस इज इक्वल टू माइनस आई इन ब्रैकेट लॉग ऑफ, नाउ दिस इज रूट 2. Now root 2 can be written as 2 raised to 1 by 2. And tan inverse of minus is minus tan inverse of 1. So which comes out to be minus I in bracket. Now 1 by 2 jo hai, niche aayega idhar. So it will become 1 by 2 log 2 minus I into tan inverse of 1. So it is 5 by 4. Clear? So this is what? This is log z. हम माइनस आई ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं. सो क्या हो जाएगा? देखिए माइनस आई ब्रैकेट में अगर मल्टीप्लाई किया, सो इट विल बिकम व्हाट? माइनस आई बाय टू लॉग टू एंड माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर पाई बाय फोर. ठीक. सो दिस इज इक्वल टू, नाउ सी आई स्क्वायर इज नथिंग बट माइनस 1. सो दिस माइनस पाई बाय फोर इज रियल पार्ट. सो माइनस पाई बाय फोर मैं पहले लिखता हूं, और जो सेकंड टर्म इट इज माइनस आई बाय टू लॉग टू. नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग जेड. क्लियर? ये लॉग जेड हुआ. अब बेस कितना है इसका? ई. जैसे मैंने बताया था, अगर हम यहां पर बेस मेंशन नहीं करते हैं, इट मीन्स इसका बेस होता है ई. दिस इज नेचुरल लॉगरिथम. एंड देयर फॉर यूजिंग अगेन डेफिनेशन ऑफ लॉग, जेड इज इक्वल टू व्हाट? तो ई रेस टू ए नंबर हो जाएगा. सो इट इज ई रेस टू माइनस फाइव बाय फोर माइनस आई बाय टू लॉग टू. ठीक. अब यूजिंग लॉग ऑफ इंडाइसेस ओवर हियर, दिस कैन बी सेपरेटेड एज ई रेस टू माइनस फाइव बाय फोर इंटू ई रेस टू माइनस आई बाय टू लॉग टू. हमने सेपरेट कर दिया. ठीक. Now see, this is real, e raised to minus 5 by 4. ये real है, क्योंकि इसमें i नहीं है और ये imaginary है. अब इसको हम separate करते हैं, e raised to theta का formula use करते हैं. So this is equal to what? e raised to minus 5 by 4 into. Now e raised to i theta is nothing but cos theta plus i sin theta. दिस इज ई रेस टू आई थीटा, मतलब आई को छोड़ते गए बाकी जो बचेगा दैट इज थीटा. सो इट इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. अब कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा. तो ये माइनस साइन आपका अप्लाई कर देंगे हम,
देन इट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्मेट, दिस इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस फाइव बाय फोर इन ब्रैकेट क्या होगा कॉस ऑफ माइनस थीटा, सो इट इज कॉस थीटा, ठीक, एंड प्लस साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो इट विल बिकम माइनस आई साइन वन बाय टू लॉग टू, ब्रैकेट क्लोज, ठीक। सो अब ये ई रेस टू माइनस फाइव बाय फोर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, जब दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा सो व्हाट विल बी द रियल पार्ट ऑफ जेड हियर, रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा आपका ई रेस टू माइनस फाइव बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ वन बाय टू लॉग टू, सो दैट इज रियल पार्ट ऑफ जेड। So that is option A. So question है वन माइनस आई रेस टू माइनस आई जिसका हमें रियल पार्ट ढूंढना है, सो आई अज्यूम दिस नंबर टू बी जेड, सो जेड इज इक्वल टू वॉट वन माइनस आई ब्रैकेट रेस टू माइनस आई। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का हमने लॉग ले लिया तो जेड का हो गया लॉग जेड, इधर भी हमने लॉग लिख दिया। Here we are using one formula, that is log of m raised to n is equal to n log m. So this is the formula of logarithm, rules of logarithm. So हमने minus i नीचे लेकर आ गए and log of one minus i यहाँ पर आ गया, तो minus i. Now this is log of a plus ib. अब log of a plus ib का क्या formula है? Log of a plus ib is equal to log of मॉड जेड मीन्स अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस आई इन टू एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। नाउ व्हाट इज एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, इट इज नथिंग बट टैन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए, ठीक। देखिए लॉग ऑफ ए प्लस आई बी का फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ मॉड जेड, तो मॉड जेड मैंने रिप्लेस कर दिया अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस आई इन टू एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, सो इट इज टैन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए, क्लियर। लेट अस सॉल्व फर्दर, दिस इज माइनस आई लॉग ऑफ वन लॉग ऑफ, अब मॉड जेड मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू वन है बी की वैल्यू माइनस वन है, तो वन का स्क्वायर वन माइनस वन का स्क्वायर भी वन प्लस आई इन टू टेन इनवर्स ऑफ बी अपॉन ए, सो इट इज माइनस वन अपॉन वन, ठीक। माइनस आई एज इट इज लॉग ऑफ रूट टू, नाउ रूट टू इज नथिंग बट टू रेस टू वन बाय टू, tan inverse of minus 1 is minus tan inverse 1, ठीक है। अब अगेन log of m raise to n का फॉर्मूला आप देखेंगे तो n नीचे आता है, मतलब क्या हो जाता है n log m, यहां पर 1 by 2 नीचे आ गया log 2 है, minus i tan inverse of 1 is pi by 4, so this is minus i by 2 log 2, ठीक, and minus i into minus i, so it is plus i square pi by 4। अब जो आई स्क्वायर है इसकी वैल्यू होती है माइनस वन, सो दिस बिकम्स माइनस फाइव बाय फोर, यहां पर आ गया और माइनस आई बाय टू लॉग टू हमने पीछे लिख दिया, ठीक। नाउ दिस इज डेफिनेशन ऑफ लॉग, कल अगर आपने लॉग के फॉर्मूले लिखे होंगे दिस इज अगेन फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लॉग, अगर लॉग ऑफ एम टू द बेस ए इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है, इफ log of m to the base a equal to x, then this implies what? This implies m is equal to a raised to x. This is definition of log. कल हमने डिस्कस किया था, तो m कहां से आता है, m यहां से आ गया and is equal to a raised to x, ठीक। तो अब इसी तरीके से आप इसको समझिए, इस log का बेस जब भी मेंशन नहीं है, whenever we are in calculus part or let us say complex number of study कर रहे हैं, जब बेस मेंशन नहीं है इसका मतलब इस लॉग का बेस है एक्सपोनेंशियल, दैट इज लॉगरिथमिक, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल लॉगरिथम, तो बेस ई है, तो क्या जेड इज इक्वल टू ई रेस टू, ये कंप्लीट नंबर। अब लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज करते हैं यहां पर, यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस वी कैन सेपरेट दिस पावर्स फॉर ई, तो ई रेस टू हो गया माइनस फाइव बाय फोर इन टू ई रेस टू हो गया माइनस आई बाय टू लॉग टू, e रेस टू माइनस फाइव बाय फोर एज इट इज,
ब्रैकेट में यहां पर फॉर्मूला है ई रेस टू आई थीटा, ठीक, दिस इज ई रेस टू आई थीटा। अभी हमने देखा था जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, वी यूज दिस फॉर्मूला ई रेस टू आई थीटा, दैट इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक, सो दिस इज ई रेस टू आई थीटा। तो आई का जो कोएफिशिएंट है जो कि है माइनस वन बाय टू लॉग टू, दिस इज नथिंग बट थीटा ओवर हियर, सो दिस बिकम्स कॉस ऑफ माइनस वन बाय टू लॉग टू प्लस आई साइन ऑफ माइनस वन बाय टू लॉग टू, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ आई ओवर हियर, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं, ई रेस टू माइनस फाइव बाय फोर ऐसे लिख दिया हमने, नो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, क्लियर, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा था रियल पार्ट ऑफ जेड, व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ जेड, इट इज ई रेस टू माइनस फाइव बाय फोर इंटू कॉस ऑफ, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, दिस ई रेस टू माइनस फाइव बाय फोर विल बी गेट मल्टीप्लाइड विथ बोथ ऑफ दिज नंबर्स, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो रियल पार्ट कौन सा होगा, जब ई रेस टू माइनस फाइव बाय फोर कॉस वन बाय टू लॉग टू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर सेम क्वेश्चन में मुझे इमेजिनरी पार्ट चाहिए होगा, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अगर चाहिए तो क्या होगा, आई का कोएफिशिएंट होता है। अब आई का कोएफिशिएंट क्या है, देखिए दिस इज आई, इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, एक तो माइनस होगा, फिर ई रेस टू माइनस फाइव बाय फोर भी होगा, ठीक है, एंड इंटू साइन ऑफ वन बाय टू लॉग टू होगा। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगर मान लीजिए क्वेश्चन चेंज हो गया, क्योंकि जनरली यही सारी चीजें होती है जेडब्ल्यू में, जब हम बात करेंगे दिस इज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड इन सीईटी, आप समझ के चलिए सीईटी में बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक, बट जेडब्ल्यू में एक्सपेक्टेड है। और जेडब्ल्यू में अगर ये क्वेश्चन को मुझे मान लीजिए चेंज करना है, क्योंकि क्वेश्चन जल्दी जल्दी रिपीट नहीं होते हैं, बट रिपीट नहीं होते का मतलब क्या होता है कि उससे अगर रिपीट भी होता है तो क्वेश्चन के कुछ चेंज हो जाता है। जैसे सेम क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, क्वेश्चन चेंज हो गया, या फिर यहां पर प्लस कर दिया, या फिर यहां पर प्लस कर दिया, बट फॉर्मेट यही चलेगा आपका, क्लियर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 175, द वैल्यू ऑफ, चलिए एक बार मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि इतने बैठेगा फिर आपको कंफ्यूज होगा, तो एक बार मैं, सो दिस इज द गिवन इक्वेशन, ठीक, एंड वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ जेड सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, ठीक। सो नाउ लेट अस राइट डाउन वन मोर रूल ऑफ लॉगरिथम। सो लॉग का एक रूल होता है, देखिए लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी, ठीक है, दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर्स, इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम इंटू एन इंटू पी एंड सो ऑन। सो दिस इज वन रूल फॉर लॉगरिथम, लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम एन। सो यहां पर भी वही फॉर्मेट है, लॉग एम प्लस लॉग एन, सो इट विल बिकम देयर फोर लॉग ऑफ, सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी एंड सो ऑन, सो इट इज नथिंग बट इट इज नथिंग लॉग ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ जेड इन टू जेड स्क्वेयर एंड सो ऑन अप टू जेड रेस टू एन विच इज इक्वल टू जीरो, क्लियर। सो नाउ देयर फोर, अब यहां पर ब्रैकेट में जो है यूजिंग लॉग ऑफ इंडाइसेस जेड इंटू जेड स्क्वेयर इंटू जेड क्यूब अप टू जेड रेस टू एन इज नथिंग बट जेड रेस टू वन प्लस टू प्लस एंड सो ऑन अप टू एन विच इज इक्वल टू जीरो, ठीक, लॉग ऑफ जेड रेस टू, ये जब मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में होंगे तो लॉग ऑफ इंडाइसेस से पावर्स की एडिशन हो जाएगी। नाउ यूजिंग अनदर फार्मूला दैट इज सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ये आपने टेंथ में पढ़ा हुआ है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज समेशन एन, दैट इज व्हाट वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन, एंड दिस इज नथिंग बट एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ये वाला फॉर्मूला है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू।
सो इट बिकम्स व्हाट लॉग ऑफ जेड रेस टू, अब वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन, सो दिस इज एन इन टू एन प्लस वन अपॉन टू विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक, यहां पर बेस नहीं है मतलब कि ई है, अब हम ई रेस टू जीरो कर देंगे, सो विल गेट व्हाट वैल्यू ऑफ जेड रेस टू एन इन टू एन प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू ई रेस टू जीरो। नो व्हाट इज ई रेस टू जीरो, इट इज नथिंग बट वन, क्लियर। एंड देयर फॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, अब जेड रेस टू एन इन टू एन प्लस वन अपॉन टू हमारा वन है, तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, वन रेस टू टू अपॉन एन इन ब्रैकेट एन प्लस वन। अब ये कैसे हुआ आप समझिए, अगर जेड रेस टू वन बाई एन इक्वल टू वन होता है, इट मीन्स जेड इज इक्वल टू वन रेस टू एन, दैट इज रेसिप्रोकल, दिस इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल। तो ये एन रूट है, वन अपॉन एन मीन्स दिस इज एन रूट, सो जेड बिकम्स व्हाट वन रेस टू एन, सो यूज इन द सेम फॉर्मूला ओवर हियर, जेड रेस टू एन इन टू एन प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू वन है, तो इसका अगर हमने रूट ले लिया तो जेड मिलेगा, एंड जेड इज नथिंग बट वन की पावर हो जाएगी इस पावर का रेसिप्रोकल। अब ये तो हो गई वैल्यू ऑफ जेड जो हमें ढूंढना है, अब इस वैल्यू को आप कैसे निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज इक्वल टू, नाउ सी दिस वन कैन बी रिटन एज, मैंने लिखा था कि हमने एक टॉपिक देखा होता है रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सो रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते समय आपको सबसे पहले तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसे पोलर फॉर्म में लिखना होता है, तो वन को हम लिख देंगे पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में वन क्या होता है कॉस जीरो प्लस आई साइन जीरो, ठीक है, रेस टू टू अपॉन एन इन टू एन प्लस वन, ये तो हुआ पोलर फॉर्म। सेकंड स्टेप हमारा होता है कि हमें इसे कन्वर्ट करना होता है जनरल पोलर फॉर्म में, ठीक, जनरल पोलर फॉर्म, तो जनरल पोलर फॉर्म मतलब इसमें हम 2n पाई ऐड करते हैं, ठीक है, सो जीरो के साथ हो जाएगा 2n पाई, तो अब n तो हम यहां पर यूज नहीं करेंगे क्योंकि n ऑलरेडी यूज हुआ है किसी और जगह पर, तो हम लिखते हैं cos ऑफ 2m पाई प्लस i sin ऑफ 2m पाई एंड रेस्ट टू वॉट एवर जो भी है, ठीक। तो ये तो हो गया जनरल पोलर फॉर्म, दिस इज जनरल पोलर फॉर्म। अब आगे यूजिंग बी मोरेस थ्योरम, आप जो पावर में है उसे नीचे ला सकते हैं इसके साथ, सो दिस बिकम्स व्हाट कॉस ऑफ, अब टू मल्टीप्लाई होगा टू एम पाई के साथ तो हो जाएगा फोर एम पाई अपॉन एन इन टू एन प्लस वन एंड प्लस आई साइन ऑफ